अयोध्या में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रामलला स्थल जाकर दर्शन किए। इससे पहले कल उद्धव ठाकरे ने अयोध्या में सरयू नदी किनारे आरती की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अयोध्या में साधु संतों से मुलाकात की और अपने परिवार के साथ लक्ष्मण किला का दौरा किया। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं और साधु संतों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, अब राम मंदिर निर्माण की तारीख चाहिए और जल्द ही मंदिर बनेगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में धर्म सभा बुलाई है। इस धर्म सभा में देश के जाने माने संत वीएचपी के पदाधिकारियों के साथ साथ आरएसएस के कई नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। और ये हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उद्धव ठाकरे ने रामलला के दर्शन किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज वीएचपी की बैठक होगी, महाहिंदू सम्मेलन होगा, जहां पर 2 लाख साधु संतों के जुटने की आशंका है। और अयोध्या के लिए बेहद ही खास दिन है आज, जहां पर जो अयोध्या है वो पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है, जहां पर उद्धव ठाकरे भी मुंबई से इस मकसद से आए थे कि वो वहां पर पहुंचकर अयोध्या के मुद्दे को फिर से उठाएंगे, तो वहीं आज वीएचपी ने एक महासम्मेलन की तैयारी की है जिसमें 2 लाख साधु संत जुटेंगे और तमाम बड़े बड़े नेता यहां पर जुटेंगे, आरएसएस के बड़े नेता इसमें जुटेंगे और 2 लाख साधु संत यहां पर इकट्ठा होंगे, ऐसी आशंका है। अजीत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। अजीत, ये भी कहा जा रहा है वीएचपी की तरफ से कि ये उनकी आखिरी सभा होगी और इसके बाद कोई सभा नहीं होगी और मंदिर निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। देखिए बिल्कुल फराज, जहां मैं मौजूद हूं, ये विश्व हिंदू परिषद का वो मैदान है जो राम भक्त माला जो बगिया है वहां पर मौजूद है। धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं, उनकी भीड़ जो है वो बढ़ रही है। आप बाएं साइड में आप देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हम अब और इंतजार नहीं करेंगे, अब वक्त आ गया है राम मंदिर निर्माण का। बीजेपी जो कहती थी वो नहीं कर रही है और अपनी जो वादे किए थे वो भूल गई, तो इस मैदान में धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, चूंकि 8 लाख स्क्वायर फीट का मैदान है, लगभग 2 लाख से अधिक लोग इस मैदान में आ सकते हैं। पूरे मैदान में आप देख सकते हैं कि भगवा झंडे हैं और जो राम भक्त है वो 2 गेट बने हैं, दोनों गेटों से लोग आ रहे हैं और जो भीड़ है पूरा रो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जिस हिसाब से भीड़ मैदान के अंदर आ रही है अगले आधे घंटे में पूरा मैदान फुल हो जाएगा और विश्व हिंदू परिषद इसी बात का दावा कर रही है कि हम अब इंतजार नहीं करेंगे और इस धर्म संसद से कोई ना कोई फैसला होगा और फैसला जो होगा वो राम मंदिर के पक्ष में होगा, क्योंकि पूरे गाजीपुर से बलिया तक, बांदा से गाजियाबाद तक, पूरे उत्तर प्रदेश से जो संत हैं, देश से संत हैं वो आए हैं, इसके अलावा जो राम भक्त हैं वो पहुंचे हैं, सड़कों पर डांस कर रहे हैं, बैनर पोस्टर वो यहां पटा पड़ा हुआ। 2 तस्वीरें फरा हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर वो जिसमें योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ की तस्वीर लगी हुई है, जो संस्थापक रहे हैं राम मंदिर आंदोलन के, विश्व हिंदू महासभा के अगुआ रहे हैं अवैधनाथ, जो यूपी के सीएम के गुरु हैं। दूसरी तस्वीर बाबरी मस्जिद की है जो हमारे दाहिने हाथ पे लगी है, जब बाबरी मस्जिद बनी थी तो उसकी तस्वीर लगी है। विश्व हिंदू परिषद ने दिखाने की कोशिश की है उस तस्वीर के माध्यम से कि 1992 में क्या क्या हुआ था, कैसे विवादित ढांचे को ढहाया गया, कैसे लोग ढांचे के ऊपर चढ़ गए और कैसे लोग घायल हुए, जो फोर्स लगी थी, अशोक सिंगल की तस्वीर लगाई गई, सब कुछ इन तस्वीरों से वो जिंदा करना चाहते हैं और बीजेपी को याद दिलाना चाहते हैं कि ये हुआ था सन 1992 में, कितने लोग मारे गए थे और किस तरीके से हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ा था। लिहाजा अब आप सरकार में हैं तो आप बहानेबाजी मत करिए और नैतिक बल देने की कोशिश की जा रही है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। इसी मंच पर नित गोपाल दास अध्यक्षता करेंगे, जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, वो कल शिवसेना के कार्यक्रम में भी गए थे, साध्वी रितंभरा, इसके अलावा पूरे देश के जो संत हैं, अयोध्या के संत हैं, द्वीप के कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और ये लगभग 1 घंटे बाद ये जो सभा है, धर्म सभा, वो शुरू हो जाएगी, तो देखना होगा कि क्या फैसला होता है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि बीजेपी के ऊपर ही दबाव है, दोनों जगह सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लिहाजा संत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि अब हम मंदिर बनाने आए हैं, हमें बहानेबाजी नहीं बल्कि हमें कानून लाकर दीजिए, क्योंकि अब 4.5 साल का वक्त बीत चुका है और अब हम इंतजार नहीं कर सकते। फरा, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर बने रहें, जल्द आपके पास लौटेंगे।